रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर कोई एक ही टॉपिक पर बात कर रहा है, खुद का घर खरीदे या रेंट के घर में रहें। और उससे मार्केट के इन्वेस्टर्स को ये क्वेश्चन आया कि शुड वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास या फिर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें एंड इंक्लूड द रियल एस्टेट कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो, एंड अगर हम पोर्टफोलियो में बाय करना चाहते हैं तो विच कंपनीज आर द बेस्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा कंपनी कॉर्नर सीरीज। मैं हूं देवांशी आशर एंड आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द किंग ऑफ दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट सेक्टर। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स डीएलएफ। लेट्स डिस्कस ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट, डीएलएफ का बिजनेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल्स कैसे हैं एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। इस कंपनी में डीप डाइव करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। पेंडेमिक के बाद से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट एंड कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में तेज रिकवरी देखने मिली है। इन्वेंट्रीज जो भर के पाइल्ड अप थी उसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है एंड कंपनीज भी नए लॉन्चेस ला रही हैं। लैंड पार्सल्स कॉन्स्टेंटली अक्वायर हो रहे हैं। ऑल्सो रेरा के आने के बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मार्केट शेयर है वो भी काफी बढ़ गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया के जीडीपी में लगभग 7% तक कंट्रीब्यूट करता है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 तक 13% एंड 2030 से लेके 40 तक 18% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसी के साथ निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने भी 2021 के बाद से काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। स्टडी मार्केट देखने मिला है। डीएलएफ का निफ्टी रियल्टी में 25% तक का वेटेज है। इंटरेस्टिंगली इस साल 1% तक रेट हाइक्स हुए हैं। हायर इन्फ्लेशन के बाद भी रियल एस्टेट, अगर आप रेसिडेंशियल देखें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज देखें, इन सब की डिमांड में ज़्यादा डाउनफॉल देखने नहीं मिला है। इनफैक्ट ऑक्यूपेंसी बढ़ी है एंड बैंक्स के हाउसिंग लोन बुक्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। अब बात करते हैं कंपनी की। डीएलएफ इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिकली लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है। डीएलएफ का फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस कंपनी एंड इट वाज फाउंडेड बाय चौधरी राघवेंद्र सिंह इन 1946। कंपनी का 75 इयर्स का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एंड डीएलएफ ने अब तक 150 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स पर फोकस करते हैं। डीएलएफ का रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ साथ रेंटल प्रॉपर्टीज में भी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। सो कंपनी का एक सेगमेंट है डेवलपमेंट सेगमेंट एंड दूसरा है रेंटल सेगमेंट विच कम्स अंडर डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन डीएलएफ एंड जीआईसी सिंगापुर, जिसमें डीएलएफ 2/3 स्टेक ओन करता है। अब कंपनी के अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं, उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला है होम्स। डीएलएफ हमेशा से प्रीमियम प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है एंड लग्जरी हाई एमिनिटी बिल्डिंग से लेके स्मार्ट टाउनशिप्स बनाती है। सेकंड पोर्टफोलियो है ऑफिस पोर्टफोलियो। कंपनी का ऑफिस पोर्टफोलियो भी काफी वाइड है, प्रीमियम बिल्डिंग्स हैं। कंपनी साइबर सिटीज, साइबर पार्क्स एंड कमर्शियल पार्क्स बनाती है। तीसरा है रिटेल सेगमेंट, जहाँ पे डीएलएफ के मॉल्स इंक्लूडेड है। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्टफोलियो, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। पिछले 20 सालों से कंपनी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है। डीएलएफ गोल्फ क्लब, सिटी क्लब्स, लोधी होटल, ये सब डीएलएफ की प्रॉपर्टीज हैं। कंपनी के ज्यादातर जो रेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो डीएलएफ साइबर सिटी का पार्ट है। एंड अगर रेवेन्यू वाइज देखें तो कंपनी का मेजॉरिटी जो इनकम है, प्रॉफिट्स हैं, वो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो से आता है, यानी जो कंपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कंपनी बिल्ड करती है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो डॉक्टर कुशाल पाल सिंह इज द चेयरमैन एमेरिटस ऑफ डीएलएफ लिमिटेड। मिस्टर राजीव सिंह इज द चेयरमैन ऑफ डीएलएफ लिमिटेड एंड मिस्टर अशोक कुमार त्यागी एंड मिस्टर देवेंद्र सिंह कंपनी के सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। वेल, 3 इयर्स सीएजीआर ग्रोथ इतना इम्प्रेसिव नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू का 3 ईयर सीएजीआर ग्रोथ -12% रहा है एंड 3 ईयर के प्रॉफिट का सीएजीआर देखें तो इज अराउंड 4.5%। 3 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी भी सिर्फ 3% है, बट रिसेंटली अगर आप देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हो चुका है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इम्प्रूव हुए हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स प्री पेंडेमिक लेवल्स पर वापस आ चुके हैं एंड ईपीएस पे अगर आप पिछले 3 साल से देखें तो थोड़े इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो ईपीएस में इम्प्रूवमेंट है। पीयर्स से अगर आप कंपेयर करते हैं तो डीएलएफ की जो बुकिंग ग्रोथ है FY22 में वो सबसे हाईएस्ट रही है। FY22 में न्यू बुकिंग्स में 136% तक का ग्रोथ देखने मिला था, जो पिछले 10 साल में सबसे हाईएस्ट बुकिंग अमाउंट था। अब अगर कंपनी के वैल्यूएशंस को पीयर्स से कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, स्पेशली अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखें। स्टॉक प्राइजेस एंड रिटर्न्स की बात करें तो ये वो कंपनी है जो अपने आईपीओ प्राइजेस से नीचे ट्रेड कर रही है, बट अगर आप इस साल के रिटर्न्स देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डीएलएफ का आईपीओ जून 2007 में आया था। 550 रुपीस प्रति शेयर का इश्यू प्राइस था। 525 पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। जनवरी 2008 में स्टॉक ने 1200 के भी ऊपर के लेवल्स देखे हैं, बट देन 2008 के बाद मार्केट क्रैश हुए एंड इस स्टॉक में भी कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने मिला है। 2016 में स्टॉक 100 रुपीस के भी नीचे ट्रेड करने लगा था। कट टू दिस ईयर, जहां पे पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 18% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। डीएलएफ रेगुलरली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है। हिस्टोरिकली 30 to 50% का डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है। इस साल कंपनी ने ₹3 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है क्योंकि कैश फ्लोज इंप्रूव हो चुके हैं। कंपनी ने अब तक कोई बोनस डिक्लेयर नहीं किया है। अब बात करते हैं कंपनी के आउटलुक या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहले कंपनी के सारे की सेगमेंट्स में पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का नेट डेट कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, विच इज वेरी पॉजिटिव। कंपनी का FY23 में रेसिडेंशियल सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट है। सो कंपनी नए प्रोडक्ट ऑफरिंग को स्केल अप कर रही है। कंपनी की 35 मिलियन स्क्वायर फीट की स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, जिसका सेल्स पोटेंशियल अगर आप देखें तो लगभग 47,000 करोड़ का है। ऑफिस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी काफी अग्रेसिव टारगेट्स दे रही है। रिटेल या मॉल सेगमेंट में अगले 4 से 5 साल में डबल होने का टारगेट है। कंपनी अपने कंप्लीटेड इन्वेंट्री को भी जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करने पर फोकस कर रही है। रेंटल बिजनेस सेगमेंट के भी रेवेन्यू का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश फ्लोज में काफी इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन की भी बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, सिंस जितने भी अगर आप रियल एस्टेट कंपनीज देखें तो वो हैवी कैपिटल बिजनेस होता है। साथ ही कंपनी के पास जो लो कॉस्ट लैंड बैंक है वो कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कंपनी के पास लगभग 200 मिलियन स्क्वायर फीट का लैंड बैंक है, जो कंपनी के वैल्यूएशंस में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 40% तक कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर 100 रुपीस का स्टॉक है तो उसमें से 40% की जो वैल्यू है या 40 रुपीस की जो वैल्यू है वो उसके लैंड बैंक की वजह से है। कंपनी गुरुग्राम एंड दिल्ली NCR के अलावा अब बाकी लोकेशंस में डेवलपमेंट कर रही है, जैसे चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई एंड गोवा। आने वाले टाइम में कंपनी अपने रिट्स को भी लिस्ट करवाने का टारगेट कर रही है। एंड लास्टली बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस की एंड किन लेवल्स पर आपको बाय करना है। कंपनी करंटली 53 टाइम्स पी पर ट्रेड कर रही है, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 300 के लेवल्स के अगर नजदीक मिलता है तो ये स्टॉक आप बाय कर सकते हैं एंड ऊपर में 480 से लेके 500 तक का पोटेंशियल टारगेट है। प्लीज नोट, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी वे। सो आपको डीएलएफ क्यों पसंद है या क्यों नहीं पसंद है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।